तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले, सभी विश्वविद्यालयों से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस एडमिशन शुरू कर दिया है। कैंपस एडमिशन ही नहीं, कॉलेज भी एडमिशन शुरू कर दिया। जो भी नए सेशन का एडमिशन था वो लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया है सेशन 2023 और 24 का। तो जिन बच्चों को सेशन 2023 और 24 में एडमिशन लेना है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वेबसाइट ओपन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखा दूँ कौन कौन से फॉर्म के लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं एडमिशन इन पीजी एंड पीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर सेशन 2023 और 2024। अब इसमें कौन कौन सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLM और LLB। अब यहाँ पे कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे MA, MSc, MCOM जो भी हो, वहाँ पे सभी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका एडमिशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों MBA और MTTM, इनके भी अगर बच्चे कुछ इस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका भी फॉर्म ओपन हो चुका है, वो भी यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। और ख़ास तौर पे MEd, जिन बच्चों को MEd करना है लखनऊ विश्वविद्यालय से, इस सेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे भरें, फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जिनको BPEd और MPEd प्रोग्राम करना है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों, अगर आप नीचे आके देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब जो भी आपको BA, BSc, BCom, BPharma जो भी आपको भरना है यहाँ से भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BCA और BBA अगर करना है, DPharma करना है, BLEd करना है आपको, तो बच्चों सारा यहाँ पे 2023 और 24 सेशन कंप्लीट ओपन हो चुका है, आप यहां से भर सकते हैं। भरना कैसे है इसके बारे में बात करी जाएगी, पहले कुछ डिटेल्स यहां पे देख लेते हैं। अगर आप एडमिशन वाउचर, अगर बात करूं चलिए पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशन वाउचर अगर हम बात करें, तो पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशन वाउचर यहां पे ओपन हो रही है, डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, पैसे कितने लगे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन में, वो भी बात करी जाएगी। तो बस इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर उस पर वन बाई वन हर एक आप देखिए। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना प्रोस्पेक्टस यहाँ पे जारी कर दिया है कि पीजी। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि कब से स्टार्ट हुआ है। 11 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और 10 जून यानी कि एक महीने का कंप्लीट, दो महीने का, अप्रैल मई जून, तो दो महीने का आपके पास टाइम है। एक्सपेक्टेड जो एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट बताई जा रही है 1 जुलाई से 10 जुलाई रखी गई है, और रिजल्ट लगभग आपको 20 जुलाई तक आ जाएगा, और काउंसलिंग फेज़ वन 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत कुछ जल्दी जल्दी किया जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के मामले में। अगर वहीं हम बात करें ग्रेजुएशंस की, BA, BSc, BCom, BPharma इन सब की बात करें, तो 28 मार्च 2023 से ही शुरू है वो 28 मार्च से ही शुरू है। 31 मई की क्लोजिंग डेट है बच्चों, 15 जून को एंट्रेंस टेस्ट एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 7 जुलाई। तो ये है दोस्तों फेज़ वन और फेज़ टू की बातें, ठीक है। तो बस आप इंपॉर्टेंट डेट को याद रखिए, जिस बच्चों को भी एडमिशन लेना है देर मत करिए, फटाफट से यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि कौन से कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप उसके पेज नंबर्स यहाँ पे दिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल फैकल्टी ऑफ लॉ, किसी बच्चे को LLB LLM करना है उसके बारे में, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अगर जिन बच्चों को MBA करना है, MTM करना है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी कहीं होगा जिसके अंतर्गत आपका MEd आता है, तो जिन बच्चों को ये कोर्स करना है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये कुछ रिक्वेस्ट किया गया होगा कुलपति महोदय की तरफ से, तो इसको हम ज़रा सा साइड करते हैं, ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या करना है और क्या यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आपको जारी करके विश्वविद्यालय बता रहा है। चलिए अब आप देख सकते हैं बच्चों MA, अब जी हाँ प्रोग्राम्स के बारे में बता दिएगा बच्चों, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम, आप कौन कौन से सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशंस है, कितनी सीट है, किस किस टाइप से कर सकते हैं, फीस पर सेमेस्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस साल का जो आप MA की बात करें तो 41,000, 4,000, मतलब ये सारी फीस की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, मतलब फ़ोटो की छोटा अपने आप को नहीं, क्योंकि मेन डिटेल्स तो हमें विश्वविद्यालय का पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं MA इंग्लिश की बात करें, अगर कोई बच्चा MA इंग्लिश करना चाहते हैं
लखनऊ विश्वविद्यालय से तो उसकी फ़ीस रखी गई है 4,120 रुपये, ठीक है। फ्रेंच से करना चाहते हैं, अच्छा फ्रेंच से 15,000 रुपये रखे गए हैं फीस यहाँ पे, देखिए फ्रेंच से कोई एमए करना चाहता है तो 15,000 रुपये रखे गए, ये कोई फॉरेंसिक साइंस से करना चाहता है तो 17,000, ये सारी चीज़ें आपकी फ़ीस रखी गई है, सेमेस्टर रखी गई है, सीट रखी गई है, तो फ्रेंच में केवल 10 ही सीट रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एमए की बात करें, एमए की बात थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। चलिए मास्टर्स में अगर हम बात करें, कोई इन सब्जेक्ट्स कोई मास्टर करना चाहता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ, तो इसके बारे में देखिए सेल्फ फाइनेंस 28,000 रुपये की फ़ीस रखी गई है बच्चों। चलिए बहुत सही। एलएलबी की बात कर लेते हैं, एलएलबी लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर कोई करना चाहता है 6 सेमेस्टर, यानी कि 6 सेमेस्टर का आपको 320 सीट है, केवल कैंपस की बात की जा रही है, और यहाँ पे आपकी जो फीस है वो 4,565 रुपये रखी गई है, ठीक है। चलिए हम एमए एजुकेशन की बात करें, 9,000, हम यहाँ पे देखना चाहेंगे एमएड, एमएड को देखना चाहेंगे, ठीक है, एमएड को देखना चाहेंगे बच्चों। एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर कोई करना चाहता है बच्चों तो 17,000 फीस है, ये केमिस्ट्री से कोई करना चाहता है तो रेगुलर में 8100, सेल्फ फाइनेंस में 2850 रेगुलर में, तो ये सारी ये जो है ना ये 8,000 ये कैंपस की बात की जा रही है, ठीक है, जिसका कैंपस में एडमिशन होगा उसका फ़ीस इतना है, बाकी कॉलेज में उतना होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं एमएड की तरफ, जिसको हमें बेसब्री से इंतजार था, एमएड के बारे में बात कर लेते हैं कि एमएड की फ़ीस कितनी है बच्चों। ये बीपीएड आ गया और ये हमारा आ गया एमएड, कहाँ गया भाई, आ जाओ। चलो फीस स्ट्रक्चर की एमएड के बारे में बात करना है हमें, एमएड के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएड के प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताया गया, एमएड के बारे में यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया गया। तो एमएड के बारे में बच्चों बात करें, एमएड प्रोग्राम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे फीस मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अपनी जानकारी से, यहाँ पे 20,000 पिछली बार जो था वो 20,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे एमएड की फ़ीस थी लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है बच्चों, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि एमएड प्रोग्राम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो भाई बच्चा बीएड किया हो या बीए बीएड किया हो, बीएससी बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंपलसरी है क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आपको रिटन टेस्ट होगा, टेस्ट में कैसे होगा, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे और शॉर्ट आंसर भी रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस भी रहेंगे, टोटल 250 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 250 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे डिवाइड किया गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 100 मार्क्स के रहेंगे, सब्जेक्ट्स कम्पीट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके आपके 80 नंबर का मल्टीपल रहेगा और 20 नंबर आपको रिटन लिखना पड़ेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और दो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्प्रहेंसिव पैराग्राफ में से दिए रहेंगे, उसमें से आपको 25-25 नंबर के करने हैं, ठीक है। चलिए टोटल मार्क 250 नंबर का। अब यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मतलब कुछ आपको बफर में मिलेगा, जैसे अगर आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और बीएड में सब में 60% से ऊपर पाया तो आपको कुछ क्रेडिट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे समय की बात की जाए तो समय आपका 3 घंटे का टोटल एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, तो ये हो गई बात एमएड की, ठीक। उसी प्रकार से अगर एलएलबी की बात करें बच्चों, एलएलबी में देखेंगे अगर आप एलएलबी 3 साल के प्रोग्राम के लिए सिलेबस यहाँ पे इंडियन पॉलिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, वहीं एलएलएम के सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सारी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब सिंपल सी बात ये थी कि आप विश्वविद्यालय की ये एडमिशन वाउचर्स को डाउनलोड करिए, और अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएड, एलएलबी, बी फार्मा, बीएससी, बीकॉम, एमएससी या किसी भी सेमेस्टर कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है बच्चों, आप यहाँ पे फॉर्म भरिए, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है आपका, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एडमिशन सबसे पहले शुरू कैसे करना है, एडमिशन फॉर्म भर आपको मान लीजिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, पहले मान लेते हैं एमएड में ही लेना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एमएड में जैसे क्लिक किया, एमएड पे क्लिक करते ही बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ये सब थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई होगी, नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री करिए, रजिस्टर एडमिशन पोर्टल पे आ जाइए, ठीक है। अब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर, क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है, क्योंकि आपको एक मिलना चाहिए LURN, LURN क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए। तो क्लिक हियर फॉर LURN लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ आपको डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स में क्या भरना है, आपका नाम, लास्ट नेम, सरनेम भरना है, ठीक है, वैसे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पिताजी का नाम भरना है, सरनेम भरना है, माताजी का नाम भरना है, सरनेम भरना है, और उसके बारे में अपना पर्सनल डिटेल्स दे देना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए
ट्रांसजेंडर पे हंसने वाली बात नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो वो भी हमारी तरह हैं, तो डेफिनेटली कोई जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेल अगर है तो मेल पे, फीमेल है तो फीमेल पे, विद वेरी रिस्पेक्ट। अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पर रिस्पेक्ट क्लिक करिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाले पे क्लिक करिए, अदर से हैं तो अदर पे करिए। आपने कास्ट यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है बच्चों, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जनरल लगाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर आप ओबीसी करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो या तो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए या फिर जनरल कैटेगरी से एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। चलिए, नेशनलिटी में हमेशा वी प्राउड टू बी एन इंडियन, सो इंडिया रहेगा। रिलीजन्स आपका जो भी रिलीजन्स है, रिलीजन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलो द हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म, जो भी आप रिलीजन आप फॉलो करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर मेरी यूनिवर्सिटी होती तो मैं इसको ही हटा देता, बस इंडिया काफ़ी है, मतलब इंडिया काफ़ी है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ठीक है। एड्रेस वो डालिएगा जो कि शादी के कार्ड पे छपता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एमएड के बाद आपकी शादी हो जाए। तो आप मजाक कर रहा था भाई, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपको रेगुलर एड्रेस डाल, सॉरी यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं करंट वो डालिए, यहाँ पे परमानेंट डालिए। अगर आपका परमानेंट और करंट दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको 9-4 मतलब जो भी आपका ये आए यहाँ पे आपको कर लेना है। तो आइए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली है, और फिल करने के बाद लास्ट में जो ये कोड है हम डाल देते हैं 9-4=5। ओके, फिर हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव पूरी डिटेल्स हमारी यहाँ पे देखेंगे। ओटीपी एक सेंड होगा मेरे मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओके करते हैं बच्चों, ओके करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, मैं देख लेता हूँ ओटीपी क्या आया है। फिर हम यहाँ पे ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे अभी, ठीक है, एक ही ओटीपी आएगा क्योंकि ओटीपी 6 डिजिट का है, तो 7 6 6 लास्ट में हमारा कितना है 0 आगे 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना डाल लिया, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेते। चलिए, हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो, तो फिर हमारा यहाँ पे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर रहे थे हमारा डन हो गया। अब हमें फ़ीस पेमेंट कर लेना है, 100 रुपये का फ़ीस पेमेंट होगा। जब आप लखनऊ का, बहुत पैसे लग रहे हैं यार, जब हम लखनऊ का रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो उसका 100 रुपये लगेगा। तो आइए हम यहाँ से फ़ीस पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसका पेमेंट करके फिर मैं आपको आता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर लेते हैं, तो हम गूगल पे पे जाके पेमेंट कर लेते हैं। गूगल पे पे मैं अपना वो व्हाट्सएप पेटीएम पे ईजी रहेगा, ठीक है। पेटीएम पे तो सीधे अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ। आप देखो पेटीएम का मेरे पास मैसेज आ गया होगा, दिखाई दे रहा आपको? हाँ, पेटीएम का मेरे पास आ गया, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पेटीएम से मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ 100 रुपीज़। अब इससे क्या होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट। यहाँ पे देखते हैं क्या अपडेट आती है यूनिवर्सिटी क्या करती है। यहाँ पे अपडेट तो हो गया, मेरा पेमेंट तो कट गया 100 रुपये। कुछ करो भैया, कुछ करो दोस्तों। फाइनली यहाँ पे मेरा कम्प्लीट हो चुका। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं अपना डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने अप्लीकेशन डाउन फॉर्म भरा उसका डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों आपका ये जो है ना लखनऊ यू आर, दोस्तों आपका जो ये है ना, ये आपको इम्पोर्टेंटली अपने पास संभाल कर रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN, तो इसको हमें संभाल कर रखना है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब आइए, अब हम क्या करना है, अब हम यहाँ से बच्चों लॉग आउट करके फिर से यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे। तो चलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाते हैं फिर, और अब यहाँ पे हम अपना LURN जो हमने डाला था, जो हमने फाइंड आउट किया था, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो लखनऊ का हम यहाँ पे भर लेते हैं जो हमारा था, फिर उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आ गई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एमएड का प्रोग्राम करना है, क्योंकि मैंने एमएड, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था ये बताने के लिए कि एडमिशन शुरू हो चुका है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो जिन बच्चों को, जिन महानुभावों को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, आपका एडमिशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, एडमिशन शुरू कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी आपको जिस कोर्स का लेना है उस कोर्स का सेपरेट यहाँ पे फॉर्म भर के वीडियो बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ठीक है।
सो अभी तो एलयू आ रहे था, उसके बाद पूरा आपका सिलेबस बनना है। तो चलिए इस वीडियो को ये समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं आपके लिए सहायक होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत साथियों।